हेलो नमस्ते, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिटेक गुरुजी। दोस्तों आज जो मेरा टॉपिक है वो है हाउ एयरप्लेन वाईफाई वर्क्स। हमने कभी जानने की कोशिश नहीं है कि यार एरोप्लेन में या फिर जो प्लेन से हम जाते हैं उसमें वाईफाई कैसे वर्क करता है। घर का तो पता है हमें कैसे वर्क करता है, अब एरोप्लेन का कैसा है। इतना पैसे हम खर्चा करते हैं, स्पेंड करते हैं इतना पैसे। आजकल तो ऐसा आ रहा है कि बैगेज का अलग से पैसा दो, खाने का अलग से पैसा दो, उसमें इंक्लूडेड नहीं होता है। लेकिन ये वाईफाई से होता है कि हमारा एक अच्छा टाइम पास या फिर बोल सकते हैं एक अच्छा मनोरंजन हो जाता है। हम कार से कहीं यहाँ से वहां जाते हैं तो बीच में कैसा था, हम हॉल्ट करके कुछ खरीद सकते हैं, फिर बीच में रुक के कोई होटल में आके खा सकते हैं। बट प्लेन में तो ऐसा कुछ नहीं रहता है। प्लेन में कोई स्टेशन नहीं रहता कि ये स्टेशन पे रुकेगा गाड़ी, एक घंटे के बाद तो उतरिए, कुछ आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा। तो एक वाईफाई से क्या रहता है, एक थोड़ा माइंड फ्रेश करने का वो चीज रहता है। तो यही हमने कभी जानने की कोशिश नहीं है कि 500 मील के स्पीड माइल्स के स्पीड से जा रहा है एक प्लेन, वहां पे कैसे वाईफाई वर्क करता है, या फिर बोलते 6 माइल्स ग्राउंड के ऊपर कैसे वाईफाई वर्क करता है। तो ये बेसिकली आपको बताऊं तो ये कैसे वर्क करता है ना, जो प्लेन रहता है, प्लेन के ऊपर, प्लेन के ट्रांसपॉन्डर पे एक इंटरनेट का कनेक्शन या फिर इंटरनेट कनेक्शन बीम लगाया जाता है, वो सैटेलाइट के थ्रू काम करता है, मतलब सैटेलाइट से कनेक्शन लेके काम करता है। ये बेसिकली पूरा सेम है रूरल एरियाज में कैसे रहते हैं, जो सैटेलाइट रहते हैं जिसमें टीवी आते हैं, कनेक्शन आते हैं, वो केबल से तो नहीं रहता है, एक सैटेलाइट लगाया जाता है, फिर बोल सकते हैं डिश लगाया जाता है, वो डायरेक्ट सैटेलाइट से कनेक्शन किया जाता है। वही प्लेन में भी सेम है, एक ट्रांसपोंडर के ऊपर इंटरनेट कनेक्शन का बीम लगाया जाता है और वो बीम जाता है सैटेलाइट के थ्रू और वहां से कनेक्शन लेके आपके बोल सकते मतलब आपके वाईफाई या फिर आपके मोबाइल में सप्लाई करता है। अब मैं अगर आपको बताऊं ये एक तरीके से बेसिकली ये थोड़ा कैसा है, जो सैटेलाइट वाला है ये थोड़ा सा हैवी है, फिर बोल सकते हैं बहुत कॉस्टली है एज कंपैरिजन टू जो ATG करके आता है, एयर टू ग्राउंड ट्रांसमिशन का आपको एक सिंपल या फिर बोल सकते हैं बेसिक एक एग्जांपल दूं तो आता है आपका मोबाइल फोन। आपका मोबाइल फोन भी एयर टू ग्राउंड ट्रांसमिशन के थ्रू ही वर्क करता है ग्राउंड पे, लेकिन ये बेसिकली कहां खाली ग्राउंड के लिए वर्क करेगा। आपने कभी देखा है कि आपका मोबाइल आप सैटेलाइट आप अपने स्पेस में जाके यूज कर सकते क्या? नहीं जी, आपका मोबाइल फोन काम नहीं करेगा। तो ये एयर टू ग्राउंड ट्रांसमिशन में खाली आपके मोबाइल फोन्स में वर्क करेगा, लेकिन ये एयर टू ग्राउंड ट्रांसमिशन में क्या रहता है, इंटरनेट की स्पीड बेसिकली आप बोल सकते हैं बहुत घटते हैं या फिर जियोग्राफिकली यहां से वहां कहीं जाएंगे, यहां से वहां डिस्टर्बेंस होगा तो वो स्पीड वेरी करेगा और ये बेसिकली आपको देगा करीबन 5 मेगाबिट्स पर 5 मेगाबाइट्स। और वही अगर सैटेलाइट की बात करूं तो आपको सैटेलाइट का मिलता है करीबन 50 मेगाबाइट्स। लेकिन डिफरेंस क्या रहता है यार, जो प्लेन का रहता है ना, जो प्लेन को फ्रीक्वेंसी दिया जाता है वो दिया जाता है खाली 3 मेगाहर्ट्ज़। जनरली हम अपने जो घर में वाईफाई यूज करते हैं वो आपको पता है कितना मेगाहर्ट्ज़ पे काम करता है, वो 20 से लेके 160 मेगाहर्ट्ज़ के बीच में काम करता है। मतलब सोचिए कहां 3 मेगाहर्ट्ज़ कहां होगा, कहां 20 से लेके 160 मेगाहर्ट्ज़ हो गया। तो ये बेसिकली ये सैटेलाइट का कैसा रहता है काम, सैटेलाइट थोड़ा सा हैवी रहता है, बोल सकते हैं थोड़ा कॉस्टली रहता है इसके लिए। और जनरली जो वाईफाई का जो आया है मेन पोर्शन, ये मिड्स 2000 से ही आया कि 2000 से लोगों को मतलब एक मनोरंजन या फिर एक एंटरटेनमेंट के सोर्स के लिए एक प्लेन में चाहिए, क्योंकि अगर लॉन्ग सफर है तो स्ट्रेंजर के साथ क्या बात करोगे यार, कुछ मजा नहीं आएगा, खाना पीना नॉर्मल वही टेंशन है में, आप सोचेंगे कब मेरा 3 घंटा घुसरे। तो एक वाईफाई से ये रहेगा कि आप लोगों को अच्छा बढ़िया तरीके से एक इंजॉयमेंट का सोर्स मिल जाएगा। तो वही एक सैटेलाइट के थ्रू काम करता है, ट्रांसपोर्टर इंटरनेट बीम लगाया जाता है, लेकिन उसकी जो स्पीड रहती है वो स्ट्रीमिंग का स्पीड बिल्कुल नहीं रहता है, वो खाली एक सर्फिंग के तरीके से ले लेगा। और अगर एक प्लेन में बहुत सारे लोग हैं, करीबन समझिए 50 या 100 लोग हैं, वो एक ही इंटरनेट के बोल सकते हैं इंटरनेट की बीम से अगर उतने सारे लोग कनेक्टेड है तो सिर्फ सर्फिंग होगा, वो भी नॉर्मल बहुत ही स्लो, मतलब बिल्कुल स्लो इसी स्पीड में चलेगा। तो यही इसी स्पीड में चलेगा क्योंकि वो बहुत स्लो कर देगा, क्योंकि इतना है ही नहीं, एक ही सिंगल इंटरनेट से इतने सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये जनरली क्या हो रहा है कि लोग मतलब आगे बढ़ रहे हैं या फिर बोल सकते हैं इसके एंटीनास बहुत सारे लगाए जा रहे हैं प्लेन के ऊपर। एक US का कोई प्लेन है जेट ब्लू करके, उस पर इन लोगों ने बहुत सारा लगाया, लेकिन इससे होता क्या है, देखो ज्यादा एंटीना लगा दोगे ना तो प्लेन का जो स्ट्रक्चर है प्लेन हो जाएगा थोड़ा सा हैवी और ये उसके ऊपर इफेक्ट करेगा प्लेन के ऊपर, उसके फ्यूल के कॉस्टिंग थोड़े से बढ़ जाएंगे और वो बेसिकली आएगा हमारे ऊपर, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली लास्ट में हमें ही पैसा देना है। तो यही है, तो आ गया कि इसके इंप्रूवमेंट्स हो रहे हैं, फ्यूचर में आप देख सकेंगे कि आप प्लेन के अंदर लाइव स्ट्रीम भी कर सके, लाइव स्ट्रीम तो नहीं बोलूंगा कि जनरली कुछ भी आपको देखना है सर्फिंग तो कर ही पाएंगे, लेकिन स्ट्रीम भी आप ऑन द गो कर पाएंगे, क्योंकि वो जो कनेक्शन एंटीनास लगाए जा रहे हैं उसको अच्छे तरीके से लगाया जा रहा है ताकि प्लेन को भी कुछ हानिकारक ना पहुंचे और आपको एकदम बढ़िया से बढ़िया वाईफाई का टेक्निक आपको मिल जाए। दोस्तों
यही है यार, एक एटीजी का और एटीजी एयर टू ग्राउंड ट्रांसमिशन सैटेलाइट कैसे काम करता है, और ये जो बेसिकली दिखाया गया जो सैटेलाइट का ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मर में लगाया गया, जैसे कि मैंने बताया कि एक नॉर्मल हाउस होल्ड में कैसा लगा जाता है कि सैटेलाइट, ये एक डिश टीवी लगाया जाता है जो सैटेलाइट के थ्रू काम करता है, वो भी करीबन काम करता है 50 मेगाबाइट्स पर, और जो नया अपना वाईफाई जो प्लेन मिलता है वो भी अगर उस सैटेलाइट के थ्रू काम करेगा ट्रांसफॉर्मर से अच्छे एंटीना से, तो वो भी आपको देगा करीबन 50 मेगाबिट्स तक। तो यही है दोस्तों हाउ डस वाईफाई वर्क्स ऑन एयरप्लेन के बारे में। आशा करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आया होगा, हाँ तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, सब्सक्रिप्शन का लोगो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, लोगो पे क्लिक करिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तक लिए जय हिंद।